रोजगार और पेपर लीक के वादे के बीच हरियाणा से नकलचियों ने एक बार फिर सरकार को चुनौती दी है। हरियाणा में 10वीं 12वीं के बोर्ड इम्तिहान में नूंह के भीतर फिर जमकर नकल का वीडियो आया है, जहां 10वीं के अंग्रेजी के पेपर में नकलचियों ने सारे दावे मंत्रियों और अधिकारियों के हवा में उड़ा दिए। आज तक ने आपको कल भी दिखाया था कैसे नकल हो रही थी। इसके बाद पूरा प्रशासन हरियाणा में नकल रोकने के दावे करने लगा, लेकिन अब फिर जो वीडियो आया है उसमें खुलेआम नकल होती दिखती है। अब जो नकल की तस्वीरें आई हैं, ये भी नूह के उसी यासीन सीनियर सेकेंडरी स्कूल की है, जहां पहले भी नकल हुई। इसके साथ ही नूह के ग्रीनफील्ड स्कूल और कंट्री ग्रामर स्कूल में भी जमकर हुई नकल। ये दो तस्वीरें देखिए, जहां पहले भी नकलची खुलेआम बिना डरे चीटिंग कराते रहे, और आज भी वही हो रहा है। अब तक हरियाणा में नकल कैसे होती आई है, इसकी रिपोर्ट देखिए। एक किरदार और तीन चरण। रमेश जब प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है, रमेश जब 10वीं 12वीं में पहुंचता है, और रमेश जब भर्ती इम्तिहान देने जाता है। रमेश जब प्राइमरी स्कूल जाता है तो स्कूल में जितने सरकारी शिक्षक चाहिए उतने होते नहीं। रमेश की शिक्षा की बुनियाद ढीली पड़ती है, पढ़ने में कमजोर होता है। रमेश जब 10वीं 12वीं का बोर्ड इम्तिहान देने जाता है, पढ़ाई में कमजोर होने की वजह से नकल का रास्ता चुनता है, किसी तरह पास होता है। रमेश के पास डिग्री है, नौकरी लायक योग्यता नहीं। नतीजा भर्ती इम्तिहान में पेपर लीक माफिया का सहारा लेता है, नौकरी पाता है। गलती सिर्फ रमेश की कहेंगे या उस सरकारी व्यवस्था की जिसने पूरी शिक्षा और भर्ती व्यवस्था को खोखला कर रखा है। यकीन न हो तो हरियाणा के नूह जिले से आई इस खबर के साथ शुरुआत करते हैं। एक इमारत इमारत के ऊपर रोशनदान से गिनते जाइएगा, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ। ये देश के भविष्य को नकल के मकड़जाल में उलझाने वाले वो स्पाइडरमैन हैं, जो अपनी जान की चिंता किए बिना इस वक्त स्कूल में चलती बोर्ड परीक्षा में नकल से एग्जाम पास कराने में जुटे। इनकी मेहनत, इनकी लगन, इनकी नकल कराने वाली इस ललित कला को यूनेस्को के पास भेजकर संरक्षित भी कराया जा सकता है। जहां हरियाणा के तावड़ू में बोर्ड परीक्षा में जमकर नकल चली, चंद्रावती स्कूल में 10वीं की बोर्ड परीक्षा के दौरान नकल कराने का मानो ठेका उठा हो, भीतर क्लास में बैठे परीक्षार्थियों को नकल कराने के लिए बाहर से उनके सहयोगी किताब गाइड लेकर चढ़ गए। वीडियो बनता रहा, वीडियो बनाने वालों को गालियां दी जाती रही, लेकिन हर परीक्षा केंद्र पर जो सुरक्षा व्यवस्था होती है वो सब मानो यहाँ गहरी नींद में सोते रहे। हरियाणा सरकार आया है या नहीं, आया है तो देख लें। बोर्ड परीक्षा में जो नकल का स्तर ऊंचा उठा है, ये परीक्षा व्यवस्था में नकल रहित वाले दावों को जमीन में 7 फीट नीचे धंसा चुका है। बिहार के वर्षों पुराने ऐसे वीडियो वायरल हुए तो बिहार में हर परीक्षार्थी को शक की नजर से देखा जाने लगा। लेकिन हरियाणा ने बता दिया कि बिल्डिंग पर तिलचट्टों की तरह चिपक कर चढ़कर नकल कराने वाली विधा का ज्ञान उन्हें भी है। नूह के तावड़ू में फिजिकल एजुकेशन की परीक्षा में फिजिकल मेहनत करने वाले बाहरी लोगों की मदद से परीक्षा में खूब नकल हुई। इसी तरह नूह के यासिन मेव सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 12वीं की परीक्षा में परीक्षा कक्ष की खिड़कियां नकल की पुर्जी यानी चिट देने का रास्ता बनी, जिन्हें हटाने के लिए सुरक्षा कर्मी के हाथ का डंडा देखिए, इनके पास एक ढंग का डंडा तक नहीं। और ये पुलिसकर्मी देखिए, किसी पेड़ की टूटी हुई टहनी का हिस्सा लेकर नकल विहीन परीक्षा कराने की जिम्मेदारी हरियाणा में निभा रहा है, जहां नेताओं की सुरक्षा के लिए हथियारों के साथ दर्जनों पुलिस वाले लगाए जाते हैं, वहां सैकड़ों छात्रों के परीक्षा सेंटर पर एक ढंग का डंडा देकर पुलिस वाला तक नहीं लगाया जाता। नेक्स्ट पेपर में हम विजिट भी करेंगे, जांच करेंगे, उसमें स्कूल की मिली भगत है या बाहरी हस्तक्षेप था या किसी टीचर की कोई मिली भगत है, जांच के उपरांत जो भी जरूरी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। बाहरी हस्तक्षेप है वो तो पुलिस द्वारा ही रोका जाएगा। तो ये मामला जो आपने बताया भी मेरे संज्ञान में आया है, तो मैं अभी एक बार स्कूल में सेंटर सुपरिटेंडेंट से और स्कूल के जो चीफ सुपरिटेंडेंट है उनसे बात करता हूँ। ऐसी नकल होगी तो योग्य बच्चे पीछे ही रहेंगे, नकल करने वाले जवाब लूट कर आगे बढ़ेंगे, करप्शन की नींव यहीं से पड़ जाएगी,
क्योंकि नौकरी के लिए जरूरी शिक्षा व्यवस्था खोखली है। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के 27,878 पद खाली है। जिस नूह जिले का नकल वाला वीडियो वायरल है, यहीं पर 4,000 टीचर की पोस्ट खाली पड़ी है। शिक्षक होंगे नहीं तो पढ़ाई ऊपर वाले के भरोसे, बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो पास होने के लिए नकल करेंगे, जिस पर सरकारी व्यवस्था अपनी कमी छिपाने के लिए आंख बंद करके बैठ जाती है। हरियाणा के बोर्ड एग्जाम में अगर नकल हो रही है तो बिहार की बोर्ड परीक्षा में कॉपी में जो कुछ छात्रों ने लिखा है उसे पढ़कर हंसी भी आएगी और बिहार की शिक्षा व्यवस्था को लेकर दुख भी होगा। जहां सवाल कुछ होता है, जवाब में भजन, पीएम सीएम का नाम या मोहब्बत की कहानी कुछ छात्रों ने लिख दी। पहली कॉपी देखिए, सवाल मानव भूगोल किस प्रकार है, जवाब लिखा गया नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार। ये दूसरी कॉपी, सवाल था अनोमीय प्रतिरोध क्या है, परीक्षार्थी ने जवाब की पहली लाइन में अनोमीय का जिक्र किया और आगे प्यार की कहानी लिख दी। लिख दिया जवाब में कि प्यार जल्दी नहीं होता, होता है तो जबरदस्त होता है, इसीलिए इसे अनोमीय कहते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देखें, जो स्कॉटलैंड विज्ञान से जुड़े कार्यक्रम में जा रहे हैं, वहाँ बिहार के बच्चे बोर्ड की परीक्षा में मानव भूगोल का जवाब नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार दे रहे हैं, अनोमीय प्रतिरोध का जवाब प्यार की कहानी में बता रहे हैं। 12वीं की बोर्ड परीक्षा की तीसरी कॉपी देखिए, जहाँ उद्योगों की स्थिति के सवाल से पहले वाले जवाब में बिहार के धुरंधर परीक्षार्थी ने अवध में ऐसा एक दिन आएगा वाला भजन छाप दिया, नीचे लिख दिया जय श्री राम जय सीता मां। ऐसा छात्र इसलिए करते हैं क्योंकि इन्हें जवाब आता नहीं और लगता है कि कॉपी में कुछ भी लिख कर भर देंगे तो परीक्षक शायद कुछ नंबर ही दे।